हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का वापस से आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो फाइनली आपकी एग्जाम की जो डेट्स हैं वो पास में आती जा रही हैं, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आपका जो कॉन्फिडेंस है अब अच्छा खासा आ चुका होगा कि यस सर, अब जो हमारा एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में हम बहुत अच्छे मार्क्स को सिक्योर करने वाले हैं। लेकिन सर, इसी के साथ कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा डायलेमा भी पड़ा हुआ है, काफ़ी कुछ सवाल है मन के अंदर, काफ़ी कुछ अड़चने जो हैं वो हमारी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, एडमिट कार्ड को बोले डाउनलोड कैसे किया जाए, फिर उसके बाद में सर एडमिट कार्ड को हमने डाउनलोड कर तो लिया है लेकिन उसके बाद में या तो बोले एडमिट कार्ड पे मेरी फ़ोटो नहीं है, और या फिर बोले उस पर मेरा सिग्नेचर नहीं है, या फिर मेरा नाम जो उसकी स्पेलिंग वहाँ पे गलत है, या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें गड़बड़ वगैरह दी हुई है, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और भी इंपॉर्टेंट वाले सवाल कि सर, क्या मैं अपना एग्ज़ाम जो कि 10 जुलाई को होने वाला है, क्या उस एग्ज़ाम में मैं लैपटॉप और कंप्यूटर जो है उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर उसके अलावा फ़ोन जो है या आईपैड हो गया, क्या इनको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? अपार्ट फ्रॉम दैट, पेन और पेपर जो है क्या वो यूज़ किए जा सकते हैं, वगैरह 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 अनगिनत वाले सवाल हैं जो कि बच्चों के जहन में, बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, राइट। और सर, जैसे ही आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, जैसा कि सीएस कार्ट इंडिया ने हमेशा आपको कमिटमेंट दिया था कि आपके हर सवाल का जवाब एक ही होगा, नाम है सीएस कार्ट इंडिया, द वन स्टॉप सॉल्यूशन। और आज का जो ये वीडियो है ये आपके ऐसे सभी सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में देगा, इसीलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर वीडियो पूरा होने के बाद में आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके बाद भी अगर कोई सवाल रह जाते हैं तो जो कमेंट सेक्शन होगा वहां पे कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ भी सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो टेक्निकल वाले इश्यूज आपके रहेंगे मॉक टेस्ट को लेके या फिर आपके फाइनल टेस्ट को लेके, तो उसके लिए सीएस कार्ट इंडिया ने आज एक स्पेशल सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है जो कि शाम के टाइम पर रहेगा। एग्जैक्ट टाइम आपका क्या रहने वाला है ये आपके ग्रुप पे आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। सर, लेकिन मैंने तो अभी तक कोई ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किया सीएस कार्ड इंडिया का। तो मेरे दोस्त, वेट किस बात का कर रहे हो, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां पे जाके आपको अभी के अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और शाम का जो सेशन होगा टेक्निकल वाला उस सेशन को भी अटेंड आपको कर लेना चाहिए। गॉट द पॉइंट। लेकिन फिलहाल यहां पर हम बात करते हैं अबाउट वेरियस डाउट्स, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि सर, अगर हमें जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है SEB, नाम क्या है SEB, राइट, अगर ये बोले हमको डाउनलोड करना है तो किस तरीके से इसको डाउनलोड किया जाएगा, प्रोसेस जो है वो बोले आपका क्या रहने वाला है। सर, जो आपको ICSI का पेपर देना है उसके लिए एक स्पेसिफिक ब्राउजर है, सिक्योर एग्जाम ब्राउजर, राइट, या सेफ एग्जाम ब्राउजर आप इसको बोल सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए बकायदा आपको ये लिंक जो है ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर ये लिंक आपको कहीं और पे नहीं आएगा, वैसे तो आपके मेल पे ये आएगा, लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है कि सर पता नहीं मेल कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा इस केस में भी, तो आप एक काम कीजिए, वापस से इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पे यही वाला लिंक आपको मिलेगा, और यहीं से ही आप SEB नाम का जो सॉफ्टवेयर आपका है वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अब इसमें सबसे पहले जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको ऐसा एक पेज जो है ना वो यहां पे दिखाई देगा, ठीक है, जहां पे सबसे पहले वाले में आपको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरे वाले में बेटा क्लियरली लिखा हुआ है यहां पे कि आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ। तो कई लोग क्या करते हैं, शायद कहीं का कोई पासवर्ड उनके पास में पड़ा हुआ है तो वो पासवर्ड डाल देंगे। अरे सर, पासवर्ड नहीं चाहिए आपसे, क्या डालना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में है, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यानी कि आधार कार्ड में, आपके लाइसेंस के अंदर एक ही डेट वहां पे होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, तो वो डेट जो है वो आपको यहां पे डालनी होगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप यहां पे CSWD रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बात करते हैं यानी कि यूनिक आईडी के बारे में बात करते हैं, तो 9 डिजिट का आपका होता है यूनिक आईडी, अगर आपको अभी तक ध्यान नहीं होगा तो। स्टार्टिंग में 1 2 3, 3 बार 1 रहता है, फिर उसके बाद में जो भी आपके नंबर रहेंगे 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो कुल मिला के 9 नंबर्स यहां पे होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डेट जो है वो यहां पे एकदम प्रॉपर लिख देते हैं, जैसे 11/10/2000, 11/10/2000, डेट प्रॉपर लिख दिया सब अपने अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी बोले लॉगिन नहीं हो पा रहा है। सर, क्यों नहीं हो पा रहा है? द रीजन बीइंग, शायद आपने जब कहीं से यूनिक आईडी को कॉपी किया होगा ना, तो उसके पीछे एक स्पेस जो है ना वो आ गया होगा,
गॉट इट, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सामने में स्पेस आ गया होगा, तो ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका जो कर्सर है वो एग्जैक्टली ये 7 के पीछे है, राइट right? और ये आपका यूनिक आईडी डालने के बाद में एक बार यहां से बैकस्पेस भी कर दीजिएगा ताकि जो गैप है वो बिल्कुल भी यहां पे नहीं बचे। फिर उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे, जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो अगला पेज जो आपका आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट right? यहां पे सबसे पहले ऊपर में यहां आपका यूनिक आईडी दिखाई देगा 111 234 567 और एज द केस में स्टार्टिंग में 3 इक्के जो है वो वहां पे रहेंगे, ये कंफर्म है। फिर इसके बाद में आपको नाम आपका पूरा यहां पे मिलने वाला है, संजना सरनेम भी जो आपका होगा वो भी वहां पे आपको दिखाई देगा, राइट। फिर इसके बाद में वापस से यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर से आपका पूरा का पूरा नाम, आपका पूरा का पूरा ईमेल आईडी, राइट। चूंकि ये इंफॉर्मेशन किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता हूं, इसलिए उसको हमने यहां से क्या कर दिया, हाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है सर, फिर उसके बाद यहां पे आपका रोल नंबर आएगा, यहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा और यहां पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको क्लियरली बताया जाएगा। और फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है वो क्या कि सर आपका एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है। डेट रहेगी सबकी सेम, 10th of July, राइट right? लेकिन सर एक सवाल जो बच्चों का बार बार आता है कि क्या सारे बच्चों के पेपर सेम टाइम पे होने वाले क्या? आंसर इज नो सर। हो सकता है कि किसी का पेपर सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हो सकता है कि किसी बच्चे का पेपर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हो सकता है किसी बच्चे का पेपर 12 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे। सबका टाइम जो होगा वो अलग अलग आपको यहां पर मिलने वाला है और आपको क्या करना है, आपको वो लिंक पे जाके जब आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे अपना टाइम जो है वो दिखाई दे जाएगा। ऑल दो आपके एडमिट कार्ड पे भी टाइम के बारे में बताया हुआ रहेगा शायद, जहां तक मेरा ख्याल है। अगर नहीं है तो आप सिंपली ये लॉगिन कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहां पर क्लिक कर देना है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द SEB और आपका जो ब्राउजर होगा वो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला वाला सवाल कि सर अगर मुझे SEB सॉफ्टवेयर जो आपका है या फिर ब्राउजर आपका जो है एग्जाम देने के लिए अगर वो डाउनलोड करना है तो किस तरीके से करना रहेगा। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट है सर कि एडमिट कार्ड को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। सर एडमिट कार्ड को डाउनलोड जो है वही नहीं कर पा रहा हूं, सबसे पहली बात तो मैं मेरा लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि सर एडमिट कार्ड मेरा डाउनलोड हो गया है लेकिन जो फोटो है मेरी सर वो दिखी नहीं रही है, मेरी जगह किसी और की फोटो डाल दी, या मेरा सिग्नेचर जो है जैसा मैंने किया था वैसा नहीं अपियर हो रहा है, या बहुत ही बारीक सा दिखाई दे रहा है, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा गाइस एक बात और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपके एडमिट कार्ड के इश्यूज के बारे में बात करूं या फिर अगर मैं ICSI के पेपर के लिए किसी भी इशू के बारे में बात करूं, तो अगर आप अपने सीनियर से पूछ रहे हैं या फिर अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड मेंबर से पूछ रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं इसका सॉल्यूशन कोई भी और प्रोवाइड नहीं कर सकता है एक्सेप्ट ICSI। तो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि प्लीज आप अपना टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए और सीधा क्या कीजिए, ICSI से ही कॉन्टेक्ट कीजिए। द रीजन बीइंग कि अल्टीमेट सॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है इट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय द ICSI, ठीक है सर। लेकिन एडमिट कार्ड के इश्यूज हैं तो बोले मैं क्या करूं, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको अलग से एक इंस्ट्रक्शन का पूरा PDF जो है वो दिया हुआ है। सर कहां पे है ये PDF? वैसे तो ये ICSI की वेबसाइट पे मिलेगा, लेकिन आप इतना माथापच्ची मत कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जो है वो भी आपको अलग से दे दिया गया, ठीक है। लेकिन करना क्या है कि इसके पहले पेज को छोड़ दो, दूसरे पेज को छोड़ दो और तीसरे पेज पे जब आप आएंगे तो वहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है जनरल इंस्ट्रक्शन, इसका जो सबसे पहले वाला पॉइंट है वो आपसे कहता है कि अगर एडमिट कार्ड को लेके उसमें आपका नाम बोलो, फोटो बोलो, सिग्नेचर बोलो, एडमिशन नंबर बोलो, डेट एंड टाइमिंग ऑफ द टेस्ट बोलो, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास में है तो 2 सॉल्यूशंस आपको दिए गए। सबसे पहला कि आप एक काम कीजिए CSEET@ICSI.edu पे मेल कर दीजिए, राइट। और या फिर दूसरा आपको क्या करना है, support.ICSI.edu पे जाना है और वहां जाके कंप्लेन जो है उसको बोले रेज कर दीजिए। वहां जाके क्या करेंगे, वहां जाके कंप्लेन जो है इसको आप सिंपली रेज कर दीजिए। ये समझ में आया पूरा, ठीक है सर। तो ये रहेगा किस चीज का, एडमिट कार्ड के प्रॉब्लम। सर बोले मैंने बहुत मेल कर दिया सर, रिप्लाई नहीं आया अभी तक। पेशेंट रख लो बेटा, एग्जाम आपका 10th of July को है, उसके पहले पहले सॉल्यूशन जो है वो ICSI आपको प्रोवाइड कर देगा, डोंट वरी एट ऑल, राइट। वहां पे भी काम करने वाले जो लोग हैं इंसान ही है,
राइट, सो दे विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू यू, गॉट इट। चलिए सर, अगला पॉइंट यहां पे आता है कि सर हमको ना अभी तक कोई मेल नहीं आया है कि हमारा मॉक टेस्ट जो है वो कब होने वाला है, और अगर मॉक टेस्ट को करना है तो किस तरीके से हमको वहां पे मॉक टेस्ट को करना होगा। तो ये ध्यान से सुनिएगा कि माना कि आपको कोई मेल नहीं आया है, लेकिन जो ये आपका मैं इंस्ट्रक्शन वाले पीडीएफ के बारे में बात करूं जिसका लिंक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इसी यूट्यूब वीडियो के अंदर, अगर आप इसके चौथे के बाद पांचवें वाले पेज पे जाते हैं तो वहां पे आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक तो पॉइंट नंबर 9 वाला और दूसरा पॉइंट नंबर 5 वाला। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 9। क्या कहता है कि सर जिनका बोले जुलाई में अटेम्प्ट है उनके लिए मॉक टेस्ट जो है तकरीबन एक घंटे के आसपास का अरेंज किया गया है बाय द ICSI, जो कि कब होने वाला है, 6 जुलाई 2021 को रहने वाला। कब रहेगा सर ये मॉक टेस्ट हमारा? 6 जुलाई 2021 को रहने वाला है। सर टाइमिंग क्या होगा? ये सारी चीजों के बारे में आपके मेल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी कि आपके मॉक टेस्ट का टाइमिंग जो है स्पेसिफिकली अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो वो कब का रहने वाला, लेकिन डेट जो उसको आप नोट कर लीजिए। सर 6 जुलाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूजडे वाले दिन आपका मॉक टेस्ट जो है वो रहेगा। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर हम मॉक टेस्ट में फेल हो गए तो क्या हम फाइनल एग्जाम में भी फेल हो जाएंगे? ये जो मार्क्स हमने मॉक टेस्ट में सिक्योर किए होंगे क्या उनका जो इंपैक्ट है वो हमारे फाइनल एग्जाम पे भी पढ़ने वाला है क्या, या रिजल्ट पे पढ़ने वाला है क्या? आंसर इज नो सर, उसका आपके एग्जाम से आपके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेकिन वो ध्यान से वैसा वो कहते हैं ना कि फाइनल युद्ध में उतरने से पहले उसकी एक बार प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पता चला कि जब आप फाइनल एग्जाम देने गए 10th of July को, उस दिन आपका इंटरनेट जो है वही काम नहीं कर रहा है, या आपके लैपटॉप की बैटरी जो है वो पहले ही ड्रेन हो गई, राइट, या फिर आपका कैमरा या फिर आपका माइक जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या फिर आप उस पर्टिकुलर चीज से फैमिलियर ही नहीं हो पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है भाई साहब, गॉट द पॉइंट। तो बेसिकली यहां पे जो मॉक टेस्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको पेपर से क्या करवाना है, फैमिलराइज करवाना है, गॉट द पॉइंट। ये जो बोले रिमोट प्रॉक्टर मोड से पेपर लिया जा रहा है इससे आपको फैमिलराइज करवाना है, इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर, लेकिन एक बात और भी ध्यान से सुनिएगा सर। बोले मुझे ना, वैसे तो प्रवीण सर ने बता दिया था कि SEB को डाउनलोड कैसे करना है, बट मुझे प्रॉब्लम आ रही, मेरा सिस्टम जो है वो शायद उसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहा है, काफी सारी दिक्कत जो वो मुझे फेस करने को मिल रही है, तो मैं क्या करूं? ये ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए फिर आ जाइए आप ये पॉइंट नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 के पॉइंट नंबर 5 पे आप आ जाइए। अगर यहां पे आप आते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि अगर आपको टेस्ट के प्रोसेस को लेके किसी भी टाइप का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो ICSI ने आपको 2 हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है सर, अभी फटाफट कॉल कर लेता हूं, अभी फोन करने से वहां पे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये ऑपरेशन कब से होंगे बेटा? 6 जुलाई से ऑपरेशन होंगे। सर मेरे एडमिट कार्ड के अंदर फोटो दिखाई नहीं दे रही है, मेल करने के बाद में रिप्लाई का कौन वेट करेगा, मैं फटाक से यहां पे फोन कर लूं क्या? आंसर इज नो सर, ये जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इश्यूज के लिए आपको प्रोवाइड किया गया है, अगर आप किसी भी और पर्पस के लिए ये नंबर्स पे फोन करते हैं तो आपको वहां पे एंट्री नहीं किया जाएगा, आपको वहां पे कट करके आपका फोन जो है वो रख दिया जाएगा, ये समझ में आया। लेकिन टेक्निकल वाला डिफेक्ट अगर आपका होगा, कोई भी मॉक टेस्ट आप नहीं दे पा रहे हो, या फाइनल एग्जाम के दिन आप प्रॉपरली तरीके से आपका एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, तो ये 2 फोन नंबर है जो कि आपको सिंपली प्रोवाइड किए गए हैं, यहां पे सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। तो ये बात हो गई भाई साहब आपकी मॉक टेस्ट की। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है हाउ टू कॉन्टेक्ट ICSI। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वैसे तो सबसे पहली बात, अगर आपका एडमिट कार्ड को लेके इश्यू होगा तो ये 2 आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए। सबसे पहला आप सीधा मेल कर सकते हैं, दूसरा एक अलग से पोर्टल दिया गया है जिसका नाम है support.icsi.edu, अपने ब्राउजर पे आप टाइप कीजिएगा और वहां पे कंप्लेन डालने के लिए आपको क्या बोलेंगे इस चीज को गाइड किया जाएगा, तो वहां से आप सीधा क्या है अपनी कंप्लेंट जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी टेक्निकल वाला इश्यू आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो जो 2 हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए, जो कि कब से स्टार्ट होंगे, ट्यूजडे से स्टार्ट होंगे मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। आज के दिन यानी कि संडे को और मंडे को अगर आप वो फोन ट्राई करने की कोशिश करोगे तो आपको कोई सॉल्यूशन वहां पे मिलने वाला नहीं है, तो ट्राई भी मत कीजिएगा। तो सर अगर आज मैं डाउनलोड कर रहा हूं और मेरे को चीजों के बारे में जानना है तो CS Cut India,
शाम का सेशन रहेगा, टेक्निकल वाला सेशन होगा, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, राइट। चलिए सर, अब इसके बाद में कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले इंस्ट्रक्शंस, उसके पहले आपको मैं बता देता हूँ भाई साहब, एक और डॉक्यूमेंट है जिसका नाम क्या है, यूजर मैनुअल। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला डॉक्यूमेंट है, द रीजन बीइंग कि जो आपका रिमोट प्रॉक्टर एग्जामिनेशन होने वाला है उसको लेके सारी की सारी बातें जो है ना वो आपको ये डॉक्यूमेंट में दी गई। आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी चीजें अगर आप नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो यूजर मैनुअल आपका है ना, यहां पे पहले से लेके जो पूरे 11 पेजेस के अंदर आपको पॉइंट दिए गए ना, ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है। पूरा प्रोसेस यहां से लेके सिस्टम रिक्वायरमेंट एक बार आप चेक कर लीजिए कि वेबकैम आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर इसके बाद में माइक्रोफोन आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद में लॉगिन के जो क्रेडेंशियल है, आपका जो लॉगिन आईडी होगा, आपका जो पासवर्ड होगा जो कि आपके मेल पे आया हुआ होगा, वो आप कंफर्म कर लीजिए, फिर साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद में आप जाएंगे आगे, और जब आप आगे जाते हैं तो आपको क्या कहा गया, रूल्स पढ़ लो, एग्री कर लो और उसको प्रोसीड कर लो, ठीक है। तो यहां पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ये बॉक्स जो है उसको आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा, आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने के बाद में ऑटो इक्विपमेंट चेक ये यहां पे आएगा, जहां पे आपको अलाउ पे क्लिक करना है हमेशा, गलती से भी इसको ब्लॉक मत कर दीजिएगा। माइक्रोफोन को यूज करना है, कैमरे को यूज करना है, तो आपको क्या करना है, यहां पे अलाउ पे क्लिक करना है। सर ब्लॉक कर देता हूं ना, सामने वाला बंदा मेरे को देख ही नहीं पाएगा, तो आपका पेपर भी सबमिट नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में आप आगे जाते हो, आगे जाने के बाद अगर आप यहां पे देखोगे तो ये कुछ चीजें आती हैं, स्टार्ट कैप्चर, ताकि आपका फोटो जो है वो यहां पे लिया जा सके, ठीक है। तो यहां ऐसे आपका फोटो लिया जाएगा, फिर इसके बाद आपका जो आईडी होगा उसका क्लोज फोटो जो है वो यहां पे लिया जाएगा, और फिर इसके बाद में आप यहां पे चीजों को कंटिन्यू करोगे, कंफर्म कर दोगे कि हाँ ये मेरी ही डिटेल्स हैं, ये मेरा नाम हो गया, ये मेरा रोल नंबर हो गया, और फिर उसके बाद में एक बार इंस्ट्रक्शंस को दोबारा देख लीजिएगा जो कि मैं आपको अभी बता ही दूंगा, और फिर इसके बाद आप क्या करोगे, अपने पेपर को स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। ये समझ में आया भाई साहब, इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किस चीज के बारे में, अबाउट द इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सर वैसे तो ये इंस्ट्रक्शंस में एक बार आप खुद से पूरा का पूरा देख लेंगे तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगा, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको यहां पे बता देना चाहूंगा कि सर आपका जो 10th of July को पेपर होने वाला है उसके लिए आपको किसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे जो रिमोट प्रॉक्टर मोड आपका होगा उससे आपको पेपर देना रहेगा, पहली वाली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का यूज कर सकते हो, आपको कोई भी मोबाइल फोन या फिर टैबलेट वगैरह यूज करना अलाउड नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट, शायद जिस टाइम पे आपने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे आपने कुछ वाइवा वॉस नाम की चीज को सुना होगा, बट चूंकि COVID-19 का सिचुएशन चल रहा है तो कोई वाइवा वगैरह आपका लिया नहीं जाएगा, उसकी जगह पे प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन नाम का जो आपका टॉपिक है उसको ऐड किया गया है आपके करंट अफेयर्स के साथ में, उस पर आपका टेस्ट जो है वो लिया जाए। कुल मिला के अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूं, आपके पास में 120 मिनट्स है, इसका मतलब कुल मिला के आपके पास में 2 आवर्स, 2 घंटे हैं आपके पास, राइट। उसमें 140 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और कुल मिला के पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से यहां आपको 100 लेके आने होंगे, और इंडिविजुअल अगर मैं बात करता हूं तो हर एक में आपको 20-20 मार्क्स आउट ऑफ 50, 20 मार्क्स जो है वो आपको सिक्योर करने पड़े, ठीक है सर। फिर इसके बाद, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद में अगर मैं आगे बात करता हूं तो ये बात मैंने आपको बता दिया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, रिपीट आ गया, ये भी अगर आप फिलहाल नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स देख लो भाई साहब, डॉक्यूमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर आपके पास में गलती से आधार कार्ड नहीं है कोई बात नहीं, उसकी जगह कोई भी और डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट का इशू किया हुआ रहेगा, आपका पासपोर्ट है चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चलेगा, पैन कार्ड है वो भी चलेगा, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड होगा तो वो भी चलेगा, लेकिन साथ में जो एडमिट कार्ड है उसका भी प्रिंटआउट जो है वो आपके पास में रहना चाहिए, ताकि दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो आप वहां पर दिखा सको। गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर बोले मान लीजिए आपका जो टाइमिंग है वो है बोले सुबह 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का, एग्जाम्पल
2 घंटे का आपका पेपर है, तो क्या कहा गया कि आपको कम से कम आधा घंटे पहले, 30 मिनट्स पहले, यानी कि 9 बजे आपको लॉगिन वहां पे करना रहेगा, राइट। लेकिन सर मैं 9 बजे से लॉगिन करने का ट्राई कर रहा था, 9:30 भी बज चुके हैं, थोड़ा और लेट भी हो चुका है, और ये करते 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 मुझे 9:45 से भी ज्यादा हो रहे। तो ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, मैक्सिमम टाइम जो आपको अलाउड होगा लॉगिन करके पेपर सॉल्व करने का स्टार्ट करना, वो रहेगा 15 मिनट फ्रॉम द टाइम डिसाइडेड फॉर द स्टार्ट ऑफ द पेपर। अगर आपका पेपर 9:30 बजे स्टार्ट होने वाला था तो मैक्सिमम 15 मिनट आप लेट हो सकते हो, उसके बाद में अगर आप लेट होते हो तो आपको पेपर सबमिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको लॉगिन करना ही अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप 15 मिनट लेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अगर आप हो रहे होंगे तो। गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। लेकिन सर अपना ऐसा है कि अपने को ना सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे एक घंटे में तुम्हारा भाई क्या कर देगा, पूरे पेपर को सॉल्व कर देगा। तो क्या ये हो सकता है कि 1 घंटे में अपना पेपर सॉल्व करूं फिर सबमिट करूं निकल जाऊं? आंसर इज नो सर। आपको कम से कम 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा जो है वो वहां पे बैठे रहना पड़ेगा। जैसे जो टाइम पे आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, अगर 9:45 पे स्टार्ट किया होगा तो वहां से 90 मिनट्स, अगर 9:30 पे स्टार्ट किया होगा तो वहां से 90 मिनट, अगर 9:35 पे स्टार्ट किया होगा तो वहां से 90 मिनट, आपको सबमिट का बटन ही नहीं आएगा भाई साहब। सबमिट का बटन जो है वो पेपर स्टार्ट होने के 90 मिनट्स के बाद में ही वहां पे अपियर होगा, उसके बाद ही आप उस पर क्या कर पाओगे, क्लिक कर पाओगे, उसके पहले पॉसिबल ही नहीं। ये समझ में आया? बोले ठीक है। ये कहता है आपका 4th वाला पॉइंट। फिर इसके बाद में 5th वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 6th वाला पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। 6th वाला पॉइंट जो है, डोंट्स की बात अगर मैं करूं कि क्या चीज आप नहीं कर सकते हो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या कहता है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू कीप विद हिम और हर एनी बुक्स। सर आपके लैपटॉप के अलावा आपके पास में और कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। सर पानी की बॉटल रख सकता हूं क्या? अगर वो पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट वाली है तो आप उस बॉटल को रख सकते हो, लेकिन अगर वो ट्रांसपेरेंट वाली नहीं है तो आप उस बॉटल को नहीं रख सकते। सर मैं घड़ी पहन सकता हूं क्या हाथ में? अगर आपकी घड़ी डिजिटल वॉच है तो बिल्कुल भी आप उसको नहीं पहन सकते हो। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप सीधा कंप्यूटर की तरफ नहीं देख रहे हो, आपका ध्यान गलती से ऐसे चला गया, तो अगेन आपको वहां पे वार्निंग दिया जाएगा स्टार्टिंग में कि आपका ध्यान यहां पे भटक रहा है। और 3-4 बार अगर आपने ऐसा किया ना तो आपका पेपर जो होगा वो वहीं पे सबमिट कर दिया जाएगा और डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। गॉट द पॉइंट? तो फिर चाहे आप स्टडी मटेरियल की बात करो, बुक के बारे में बात करो, हैंड रिटन नोट्स या फिर प्रिंटेड नोट्स की बात करो, मोबाइल फोन की बात करो, पेजर की बात करो, डिजिटल डायरी, साइंटिफिक और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ब्लूटूथ लैपटॉप, पाम टॉप, स्मार्ट वॉच, हेल्थ बैंड, ईयरफोन, ये सब भी आपको अलाउड नहीं होगा। कोई भी चीज आपको अलाउड नहीं होगी। सो पेन पेपर ये चलेगा क्या? नहीं, वो भी अलाउड नहीं होगा सर। लेकिन अगर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़े। गॉट द पॉइंट? अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता भी है तो किस टाइप का आएगा? जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, डिमांड 10% इलास्टिक है, प्राइस 5% इलास्टिक है, बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कैसी रहने वाली? ये टाइप के सवाल आपको पूछे जाएंगे, इसका जवाब आप आराम से वहां पे दे सकते हो। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। फिर इसके बाद में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट मेरे भाई, ये एक बार आप देख लीजिएगा कि आपका सिस्टम जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट वहां पे क्या है, टेस्ट का प्रोसेस क्या रहेगा। ये वैसे आप यूजर मैनुअल जो आपका दिया हुआ था उससे आप प्रॉपरली पढ़ ही पाओगे, नो डाउट इन दैट, बट स्टिल एक बार यहां से देख लोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सेम थिंग फॉर द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑल्सो, कि किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है, क्या करना है, ये सारा आपको यहां पे प्रॉपरली दिया हुआ है जो कि आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट वाला सवाल कि सर अगर पेपर सॉल्व करते करते संडे वाला दिन था, बोले मम्मी ने पकोड़े बना दिए, मम्मी ने पकोड़े लाके दे दिए, तो फालतू बकवास करना नहीं, डिसेंटली वहां पे बैठना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में बैठे तो बनियान पहन के बैठे हो, ठीक है, ये अनप्रोफेशनल वाली हरकतें वहां पे नहीं करनी है। बकायदा प्रॉपर तरीके के टी शर्ट पहना तो वो भी चलेगा, शर्ट पहनी तो वो भी चलेगी, लेकिन एक प्रोफेशनल लुक में आपको वहां पे बैठना होगा। आपके आजू बाजू कोई और नहीं होना चाहिए, कोई नॉइस वहां पे नहीं होनी चाहिए। सब बीच में लघु शंका लग गई तो
या बड़े वाली शंका लग गई तो कुछ भी लग जाए भाई साहब, 2 घंटे वहां से आपको हिलना नहीं है। अगर आप गलती से किसी भी कारणवश, भले ही आपको ये लगा हो या फिर आपको ये लगा हो, अगर आप अपने सीट से उठ के जाते हैं तो आप इमीडिएटली वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, आपका पेपर सबमिट करना आपको अलाउ नहीं किया जाए। गॉट द पॉइंट? ये सारी बातें हैं जो कि आपको सिंपली ध्यान रखनी है, एंड आई बिलीव कि ये बातों को आप अच्छे से इंकल्केट करेंगे। स्टिल अगर आपको डाउट है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शाम को CSCAT इंडिया के एडमिन सर के साथ में आपका टेक्निकल सेशन जो है वो रहने वाला है शाम के टाइम पे। टाइमिंग क्या रहेगा उसके बारे में आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर ऑलरेडी CSCAT इंडिया के CSWET ग्रुप को आप ज्वाइन कर चुके हो तो दिक्कत ही नहीं है, वहां पे आपसे आपको आराम से जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा लिंक के बारे में, जहां पे आपको टेक्निकल सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, आई होप कि सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छे तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस से आपकी जो पढ़ाई अभी तक चल रही थी उसको उतने ही इत्मीनान से आप आगे करते रहिएगा, और बस कुछ दिनों की मेहनत और आपकी बाकी है, फिर उसके बाद में भले ही 1 हफ्ते के लिए सही लेकिन आपको सुकून जो है वो जरूर रहेगा। 1 हफ्ते आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।